वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में कर रहे हो। अब उनका अगर मोनेटाइजेशन अनेबल हो गया है, उनको बोनस भी मिल गया है, वो बोनस जा सकता है, मोनेटाइजेशन आपका इनएलिजिबल हो सकता है, आप उसको सेव कैसे कर सकते हो कि आपका जो बोनस है वो रिस्क पे ना आए। यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और उस पर आप पता लगा सकते हो। मेरे खुद के एक दोस्त का, जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका ये रिस्क पे आ गया है जो मोनेटाइजेशन है। अब इसको कैसे सेव किया जा सकता है, आपको क्या गलतियां नहीं रिपीट करनी है, इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। बात कर लेते हैं कि आप अपने मोनेटाइजेशन को कैसे सेव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं यहां पे। तो यहां पे आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। यू आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एन इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। ये मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड का था। एंड ये दिक्कत कैसे आई थी, पहले तो मैं आपको रीजन बता देता हूँ। या तो आपने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट किया हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो आपको ध्यान में रखना है कि किसी को भी वॉयलेट नहीं करना है। कैसी भी कोई गाइडलाइन हो, आपको किसी को गाली नहीं देनी है। आपको कोई दे रहा है वो तो वैसे ही हट जाएगा, आपको किसी का जवाब ही नहीं देना है फालतू में। और ऐसा कोई कॉन्टेंट नहीं बनाना है जिसमें गालियाँ हो या फिर बंदूक वाला कोई कॉन्टेंट आप बना रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम को लेकर सीरियस हो तो बिल्कुल भी आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड यहाँ पे इसने कोई भी गलती नहीं की थी, कोई भी कैसे भी कोई गलती नहीं की थी। अब इसको ये चीजें आई कैसे, ये इंस्टाग्राम के एंड से ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक थी ये क्यों आई, बैक टू बैक किसी ने इस पे रिपोर्ट किया है, किसी भी कंटेंट पे रिपोर्ट कर दिया होगा। मतलब जैसे कोई रील है, कोई भी रील किसी को बुरी लगी होगी, उसने या तो अपने साथियों के साथ मिलकर रिपोर्ट कराया है। एंड अब तो इसका आप दिखा सकते हो, यहाँ पे एलिजिबल हो गया है मोनेटाइजेशन जो था, बोनस अब आना स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे इसका बिल्कुल जो अकाउंट की ग्रोथ थी बिल्कुल ही रुक गई थी। He was almost going to hit 100K and उसी से पहले ये सारी चीजें हो गई थी, back to back reports and इसके बाद चैनल पे ये community strike and बिल्कुल चैनल रुक गया था। मतलब जहां पे एक दिन में हजार हजार दो दो हजार फॉलोवर्स आ रहे हैं, वहां दिन में 100 फॉलोवर्स भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रील्स की रीच आगे जा ही नहीं रही थी, रील्स बढ़ी नहीं रही थी, इवन अपने जो फॉलोवर है उन तक भी नहीं जा रही थी। तो आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी, इसके साथ तो ये गलती हुई। एंड आपको लगता है कि आपका अकाउंट की रीच रुक गई है, तो आप एक बार इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट करो, इंस्टाग्राम को कॉन्टैक्ट करो। आप हेल्प इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहां पे उन्हें बता सकते हो कि भाई आई हैवेंट मेड एनी मिस्टेक, आई हैवेंट वॉलेट एनी ऑफ द गाइडलाइंस एंड उसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है वो पहले मैं बता देता हूँ। पहला हो सकता है कि आपको किसी ने रिपोर्ट कर दिया हो, बैक टू बैक रिपोर्ट किया, या फिर गलती से आपके किसी अकाउंट पे किसी ने फॉलोअर्स बढ़वा दिए, हजार फॉलोअर बढ़ा दिए, 1,500। एंड दिस इज स्पैमिंग, इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। एंड इससे इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को रोक देगा, आपके जो मोनेटाइजेशन है उसे रोक देगा। तो चेक करो आपसे कौन कौन जलता है, पहली एक चीज। दूसरा चेक करो कि आप अपने ही खुद ने तो कोई गलती नहीं कर दी अगर ये बोनस मिला है, वरना बोनस रुक जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई गलती नहीं करनी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो थी, ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसका अकाउंट रिस्क पे आ गया था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई भी गलती रिपीट नहीं करनी है। एंड आई होप आपको इस चीज से कुछ समझ मिली होगी, इसलिए मैंने एग्जांपल रखा था क्योंकि किसी ने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बना रखी थी। एंड आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आई होप आपको पता भी चल गया होगा। उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।